मित्रों नमस्कार। अभी जो सिलसिला जो मैंने चलाया है फ्लावरिंग का, यानी प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग निकलती है, वो फ्लावरिंग निकलने के लिए एक प्रोसेस होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि प्रूनिंग अलग अलग टाइप की जाती है, जहाँ पे रिफिल पेंसिल, डीप कटिंग, इंटरनल क्लीनिंग या फिर मेन डंडे के ऊपर फ्लावरिंग, ये सब चीज़ें। फ्लावरिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है अनार के सारे साइकिल में। तो फूल निकलने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रमाण में हार्मोन्स का इस्तेमाल करना, या फ्लावरिंग जब हम डिफॉलेशन के लिए जाते हैं, जब हम पत्ते झाड़ देते हैं अनार के दवा स्प्रे करके, तो नया जब फुटान निकलता है तो हम लोग फूल निकलने के लिए काफ़ी कुछ कोशिशें करते हैं, काफ़ी स्प्रे लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लेते हैं, पीजीआर के लेते हैं, काफ़ी कुछ लेते हैं। पर मित्रों ये करने से हम प्लांट के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं, तनाव डाल देते हैं। तो मित्रों आसान तरीके से फूल निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आपका फ्लावरिंग स्टेज के पहले के जो 3 महीने होते हैं, जिसको विश्रांति काल बोला जाता है, यानी रेस्टिंग समय बोला जाता है, उस समय पौधा विश्राम करता है, उस समय का जो नियोजन होता है, उस समय का जो काम करने का हमारा जो प्रोसेस होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है फ्लावरिंग के लिए, फूल निकलने के लिए। अगर हम प्रॉपर रेस्टिंग देते हैं और रेस्टिंग के समय अगर हम सफ़ेद जड़े जो ज़मीन में आती है, पेड़ की जो जड़े आती है, उस जड़ों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, बेजल डोज अगर हम प्रॉपरली 2 महीना पहले डाल देते हैं और पानी तोड़ने के पहले, यानी पानी बंद करने के पहले, कई बार ज़मीनें देख के पानी का विश्रांति देना ज़रूरी होता है। जहाँ पे काली मिट्टी की ज़मीन है, जहाँ पे पानी पकड़ने वाली ज़मीन है, तो वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि लंबा अंतराल, यानी लगभग 30-35 दिन का पानी का विश्रांति देना चाहिए पेड़ को। जहाँ पे हल्की ज़मीन है, जहाँ पे पौधा जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है, वहाँ पे हमें कम समय का तनाव प्लान करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए पेड़ को, ताकि उसकी जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएँ है वो चालू रहे। मेटाबॉलिक प्रक्रिया क्या होती है फूल निकलने के पहले, इथ्रेल करने के पहले, यानी डिफॉलेशन करने के पहले, क्योंकि पत्ता झाड़ने के पहले हम पानी को भी रोकना है जमीन के प्रतनुसार। और पिछले 3 महीने में, यानी फूल आने के 3 महीने पहले, डिफॉलेशन के 3 महीने पहले, हमें पेड़ के ऊपर कोई भी फूल फल रखना नहीं है। क्योंकि पौधे की प्रक्रियाओं में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है स्टोरेज। स्टोरेज यानी क्या? तो जो 3 महीना जो हम उसको विश्रांति के काल में बेजल डोज देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, और जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वो पत्ते क्या करते हैं, शुगर्स बनाने का काम करते हैं। वो कैसे बनाते हैं शुगर्स? तो जमीन में से पानी और न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल पौधा करता है, हवा में से पौधा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण उपयोग करता है पत्ता, और ये पत्ते में जब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स और पानी लेता है, और सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके वो शुगर्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जो पेड़ के शाखाओं में यानी तने में स्टोर होना शुरू हो जाती है। जो फ्रूटिंग केन होती है, यानी जो ऊपर की जो डालियाँ होती है, उसमें शुगर स्टोर होना शुरू हो जाती है। और ये शुगर्स जो स्टोर हम करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फूल निकलने के लिए, नहीं फ्लावरिंग के लिए उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मित्रों मेरी आपसे विनती है कि कटिंग करने के पहले, पानी का विश्राम देने के पहले, आपको 3 महीना पहले फूल फल तोड़ देने हैं, जड़ों के ऊपर काम करना है, बेजल डोज का एप्लीकेशन 1.5 से 2 महीना पहले कर देना चाहिए, ताकि पौधे के अंदर स्टोरेज अच्छा होगा। और जब हम प्रूनिंग को जाते हैं, जैसे मैंने अभी
कई प्रूनिंग के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ अभी, अलग अलग किस्म के कटिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ, जो कि आपको आपके ज़मीन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से आप अलग अलग कटिंग कर सकते हो। और वो कटिंग का उपयोग जो होता है वो ये होता है कि अनवांटेड जो टेनिया जो होती है वो निकाल दी जाती है, जो सूर्य प्रकाश अंदर तक जाना चाहिए इस प्रकार से कटिंग करनी चाहिए। और जब हम डिफॉलेशन करते हैं 3 महीने के बाद और नया फुटान जब आता है, तो मित्रों मैं गारंटी से बोलता हूँ, कोई भी दवा स्प्रे करके फूल निकलने की ज़रूरत हमें रहेगी नहीं। हमारा पौधा खुद ब खुद जो स्टोरेज किया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का फ्लावरिंग मित्रों वो निकालेगा। अभी कौन सा बेसल डोज हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किस प्रकार से प्रूनिंग करनी चाहिए, कौन से ज़मीन में फोलियर एप्लीकेशन क्या करना चाहिए इथरेल के पहले यानी डिफॉलेशन के पहले, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा मित्रों, बहुत डिटेल में बताऊंगा, जिसका आपको बड़े पैमाने पे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी समय की बहुत कमी है और ट्रैवलिंग काफ़ी मेरे को करना पड़ता है, इसलिए मैं आज आपको ट्रैवलिंग से के दरमियान ही सब वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ें हम आपको जो बताते हैं और आपको पसंद भी आते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफ़ी मेरे मित्र मेरे वीडियोस देखते हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हमारी जानकारियों को, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, और जो वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं करते उनसे भी, कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए मित्रों, क्योंकि इसके पीछे हमने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है रिसर्च के ऊपर, शोध कार्य के ऊपर, अलग अलग देश में ज़मीनों में हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, और वो सारा निचोड़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं मित्रों। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, किसान मित्रों तक पहुँचाइए। बाय बाय मित्रों, जय हिंद।